गुड मॉर्निंग बेटा, आप हम लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे 4.4 में आपका है राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये बात हम आपको बता रहे हैं। देखिए, राइट द नंबर इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर सपोज आपके पास नंबर है 342, तो क्या करते हैं, 342 मीनिंग इज 3 × 100। देखो ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड। वंस वाला वन का मल्टीप्लाई, टेंस वाला टेन का मल्टीप्लाई, हंड्रेड वाला हंड्रेड का मल्टीप्लाई। तो 3 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 2 × 1। तो अब ये 100 मीनिंग इज 10^2, तो 3 × 10^2। 4 × 10 मीन 10^1 प्लस 2 × 10^0। चूंकि 10^0 क्या होता है, 1। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई यूजिंग एक्सपोनेंट 10। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 है, 1 × 10,000 प्लस 3 × 1,000 प्लस 0 × 100 प्लस 8 × 10 7 × 1। देखो पहले 7 है, 7 × 1 8 × 10 0 × 100 3 × 1,000 1 × 10,000। अब 10,000 है 10^4, 1, 2, 3, 3 यहाँ पे क्या है, 0 वाला हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। 8 × 10^1 प्लस 7 × 10^0, चूँकि 10^0 मीनिंग इज 1। तो ये तरीका होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का। और देखिए, जैसे सपोज आपके पास ये एग्जांपल है, देखिए 4 × 1, 10, 100, 1,000, 10,000 एंड लाइन। तो पहले हो गया, वंस पे है 7, 7 × 1 टेंस पे है 8, 8 × 10 100 पे 5 × 100 1,000 प्ले 6 × 1,000 फिर 10,000 3 × 10,000 4 × 1,000। ये तरीका होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी डिजिट जो डेसिमल होता है वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by power of 10, such number is called standard form। मतलब क्या है, देखिए जैसे आपके पास ये नंबर है, इसमें आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, यानी डेसिमल यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3 1,000 से डिवाइड किया, 1,000 से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई तो 10^3 हो गया, और 1, 2, 3 यानी क्या हो गया, इधर से 3 के बाद डेसिमल आ गया, यानी 6.789। जैसे देखिए आपको डेसिमल लगाना है यहाँ, और डेसिमल इस नंबर में है नहीं। कब आएगा डेसिमल यहाँ, जब इसको 1,000 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसे 1,000 से डिवाइड करेंगे और 1,000 से मल्टीप्लाई, तो ये जब हम 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.789, और ये हो जाएगा 10^3। सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें भी डेसिमल नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 हमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितने डेसिमल डिजिट आगे लिखे जाते हैं उतनी 10^ हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे डेसिमल है 1, 2, 3, 4 डिजिट आगे ले जाएंगे तो 10^4 हो जाएगी, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड क्या करेंगे, 4 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, आपने से 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 से डिवाइड, तो ये तो 10^4 हो गया, और जब आप डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। सिमिलरली इसमें देखो, इस क्वेश्चन में 1 के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट आगे लेके जाना है, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, ये भी आंसर राइट है। और दूसरा मेथड कि क्या करें, 1 के बाद डेसिमल आगे लेके जाना है,
10 से डिवाइड कर दें, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 10 की पावर 1 और ये बन गया आपका डेसिमल एक डिजिट, आगे पहुंच जाएगा 3.45 इंटू 10 की पावर 1। ये आपको वर्क कॉपी में नहीं करना है, कॉपी में आपको एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म, इन नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन फॉर्म कैसे करेंगे, देखिए आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना। देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 3 into 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 जीरोस आएंगे, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, 3 फिर लाख में 5 जीरो आते हैं तो काउंट कर लेंगे डिजिट, 1 2 3 4 5 फाइव जीरोस आ गए, फिर 7 1 2 3 4 4 जीरोस आ गए, फिर 9 में 1000 है प्लेस 9 का, 1 2 3 जीरो आ गए, फिर 5 100 प्लेस पे 5 के साथ 2 जीरो आ गए, 0 10 प्लेस पे तो 0 इंटू 10 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 हो गया, तो ये हो गया। अब इसे 10 की पावर में लिखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी हो गई 5, ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर 5, फिर 1 2 3 4, 7 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 2। नाउ अब 10 इंटू 0 को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर क्या है 5 इंटू 1, 10 की पावर 0 1 होता है, इसलिए इसको लिख लेंगे 5 इंटू 10 की पावर 0, फिर से समझो, देखो ये वंस है, वंस वाला 1 का मल्टीप्लाई, टेंस वाला 10 का मल्टीप्लाई, एंड 1000 वाला 1000 का मल्टीप्लाई, 10,000 वाला 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, और लैक वाला लैक से। सबसे पहले 5 वंस है, 5 इंटू 1 आ गया, फिर 0 इंटू 10 आ गया, फिर 5 इंटू 100 आ गया, फिर 9,000 है इसलिए 9 इंटू 1000 आ गया, 7 10,000 है इसलिए 7 इंटू 10,000 आ गया, 3 इंटू लाख आ गया, फिर क्या करेंगे, लाख में 5 जीरो हैं, 10 की पावर 5 आ गया, 4 10 की पावर, 3 10 की पावर, 2 10 की पावर, 0 इंटू 10 जीरो होता है इस डिजिट को छोड़ दिया, 5 इंटू 10 की पावर 0 1 होता है, इसलिए इसे लिख दिया 10 की पावर 0। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, सबसे पहले वंस है 9 इंटू 1 आ गया, 10 प्लेस 1 इंटू 10 हो गया, 100 प्लेस 5 इंटू 100 हो गया, बाकी जीरोस है तो जीरोस वाले लिखने जरूरी नहीं होते हैं, यू कैन स्किप दैम। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, 3 इंटू लाख हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो हैं इसलिए ये 5 जीरोस आ गए, 3 इंटू 10 की पावर 5, 5 इंटू 10 की पावर 2, 1 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 0। अगर आप इसे 0 को लिखना चाहते हैं तो भी आप 0 को भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं, गलत नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका क्वेश्चन है ये, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख, तो 2 इंटू 10 लाख, 8 इंटू लाख, 6 इंटू, अब जीरो तो नहीं है 10,000 प्लेस पे जीरो है इसलिए छोड़ दिया, 6 इंटू 1000 चूँकि 6,000 प्लेस पे है ना, और फिर उसके बाद में 1 इंटू 100 चूँकि 100 प्लेस पे है, 9 इंटू 10, 6 इंटू 1, अब क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 6, 8 इंटू 10 की पावर 5, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0, चूँकि 10 की पावर 0 1 होता है। नेक्स्ट देखो, अब इसका है फोर्थ पार्ट, ये नंबर दिया है 1 इंटू
देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, तो वन इंटू लाख, टू इंटू टेन थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे जीरो सो हम स्किप दैम छोड़ दिया उसे, फिर सिक्स इंटू हंड्रेड, वन इंटू टेन, एट इंटू वन। फिर देखिए पावर कितनी आएगी, वन टू थ्री फोर फाइव जीरोज हैं, टेन की पावर फाइव, टू इंटू वन टू थ्री फोर, टेन की पावर फोर, सिक्स इंटू टेन की पावर टू, वन इंटू टेन की पावर वन, प्लस एट इंटू वन मीनिंग इज टेन की पावर जीरो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट, आपका क्वेश्चन ये है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टू इंटू टेन थाउजेंड, बाकी प्लस जीरो से लिविंग इट, सेवन इंटू टेन, नाइन इंटू वन, तो टू इंटू वन टू थ्री फोर, टेन की पावर फोर, प्लस सेवन इंटू टेन, प्लस नाइन इंटू वन मीनिंग इज टेन की पावर जीरो। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। मेन आपको क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे आपको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मीन इसको ऐसे बैक करके लिखना है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसी फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे, ठीक है। नाउ देखिए, नाइन इंटू टेन की पावर फोर है, सिक्स इंटू टेन की पावर थ्री है, जीरो इंटू टेन की पावर फोर है, फोर इंटू टेन की पावर वन है, प्लस फाइव इंटू टेन की पावर जीरो है। तो नाइन चार जीरो आ जाएंगे, सिक्स इंटू थ्री जीरो आ जाएंगे, जीरो इंटू दो जीरो, फोर इंटू जीरो, फाइव इंटू वन। तो वंस प्लेस पे फाइव, टेंस प्लेस पे फोर, हंड्रेड प्लेस जीरो है, थाउजेंड प्लेस सिक्स है, एंड टेन थाउजेंड प्लेस आपका नाइन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया ये, आप इसे ऐड करके भी इसको 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 ऐड करके भी आप लिख सकते हैं, देन यू विल गेट आंसर दिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका है फोर इंटू टेन की पावर फाइव, तो फोर इंटू पीछे फाइव जीरो लगाएंगे, फाइव इंटू टेन की पावर थ्री, तो पीछे थ्री जीरो लगाएंगे, टू इंटू टेन स्क्वायर है तो दो जीरो आएंगे, सिक्स इंटू टेन की पावर जीरो तो वन आएगा। पहला वंस पे है सिक्स, टेन प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है जीरो, हंड्रेड प्लेस पे टू, थाउजेंड प्लेस पे है फाइव, टेन थाउजेंड प्लेस पे कोई जीरो डिजिट नहीं है जीरो आ जाएगा, लाख प्लेस पे है आपका फोर। क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है आपका थ्री इंटू टेन की पावर फोर, प्लस सेवन इंटू टेन की पावर टू, प्लस नाइन इंटू टेन की पावर जीरो। थ्री फोर जीरोज आ गए, सेवन टू जीरोज आ गए, नाइन इंटू वन। तो वन स्पेस पे है नाइन, हंड्रेड प्लेस पे आपके पास क्या है, टेंस प्लेस पे आपके पास कुछ भी नहीं है जीरो, हंड्रेड प्लेस पे सेवन, और थाउजेंड प्लेस पे जीरो है, एंड टेन थाउजेंड प्लेस पे थ्री। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एट इंटू टेन की पावर फाइव, टू इंटू टेन स्क्वायर, थ्री इंटू टेन की पावर वन, जीरो इंटू टेन की पावर जीरो, ये मैंने अपने आप से लगा दिया, जीरो वाला नहीं दे रहा था। तो फाइव जीरो आएंगे, दो जीरो, एक जीरो, इट मीनिंग इज वन जीरो, जीरो इंटू वन मीनिंग इज जीरो। तो वन स्पेस जीरो है, टेंस प्लेस थ्री, हंड्रेड प्लेस टू, थाउजेंड प्लेस वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस जीरो, टेन थाउजेंड प्लेस जीरो है, एंड लाख प्लेस एट है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे आपको इस तरीके से लिखना है, टेन की पावर में लिखना है, और डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए। जैसे ये नंबर है तो
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे लिख सकते हैं 5 × 10^7। 6 जीरो है इसके पीछे, इसे लिख सकते हैं 7 × 10^6। ये नंबर है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको यहाँ डेसिमल चाहिए तो आप डायरेक्ट 2.1865 × 10^9 डायरेक्ट भी लिख सकते। दूसरा मेथड क्या किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज हैं, इसे हमने लिख लिया 10^5 × 20। अब यहाँ डेसिमल चाहिए तो 1, 2, 3, 4 यानी हम 10,000 से डिवाइड करेंगे और 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ये जो पार्ट है इतना ये बन जाएगा 2.1865 और ये हो जाएगा 10^5, 6, 7, 8, 9। ये आपका आंसर है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी नंबर अगर इधर जा रहे हैं 10^ में तो पॉजिटिव पावर होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2.1865 × 10^9 आप इसे ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट इसका है ये, इसमें क्या करेंगे देखिए, क्वेश्चन आपका ये है तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद डेसिमल जाएगा तो 10^5 आ जाएगा और इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 देखिए 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, 10,000 से इसको डिवाइड किया और 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया × 10^4। सिमिलरली ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 डिजिट आगे जाना है डेसिमल तो 1 and 4 जीरो यानी 10,000 से डिवाइड और 10,000 से मल्टीप्लाई तो ये तो जाएगी 10^4 और डेसिमल कहाँ लग जाएगा 1, 2, 3, 4 9 के बाद तो 3.90875 × 10^4। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी जीरो आगे ले जा सकते हैं, आपको 1, 2, 3 डिजिट जीरो आगे ले जाना है तो आप क्या करेंगे 1,000 से डिवाइड और 1,000 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डेसिमल यहाँ आ जाएगा 4.70568 × 10^3। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।